नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तत्वी महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जियार्डिया की। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी पैरामीशियम की, जिसके अंदर हमने पैरामीशियम की कंप्लीट स्टडी की थी कि पैरामीशियम जो है उसके अंदर किस फाइलम से बिलोंग करता है, पैरामीशियम जो है किस प्रकार का जीव है और पैरामीशियम के अंदर किस प्रकार के करेक्टर्स पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। और उसकी बात हमने की थी कि हमने पैरामीशियम के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन्स थे उनका वन बाय वन अध्ययन किया था प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। फिर हमने इससे प्रीवियस वीडियो में एक बात और की थी कि पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थी वो हमने कंप्लीट की थी। आज हम बात करेंगे, यहाँ पे पैरामीशियम हमारा कंप्लीट हो चुका था, आज हम बात करेंगे जियार्डिया की, जो कि देखो जिसको नॉर्मली जाना जाता है नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन, मैन ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से क्या है इसे जाना जाता है। क्या है ये जियार्डिया जो है एक जू फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोल्स है। जियार्डिया एक जू फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिलम पाए जाते हैं, जिसके अंदर फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं। कहां पाया जाता है इसे, इंटेस्टाइन का ग्रैंड ओल्ड मैन क्यों कहा जाता है इसे, इंटेस्टाइन का ग्रैंड ओल्ड मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्य की इंटेस्टाइन रीजन में पाया जाता है। इंटेस्टाइन रीजन में पाया जाता है, मनुष्य के इंटेस्टाइन रीजन में पाया जाता है, जो कि डियोडिनम व जेजुनम वाले भाग में स्थित होता है। यदि हम इसकी बात करें कि जो जियार्डिया है, जियार्डिया जो है वो एक प्रोटोजोन्स प्राणी है, एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव है ये, जिसके अंदर बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो हमने यहां पे बात की कि जियार्डिया जो है उसे इंटेस्टाइन का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। यह एक जू फ्लेजिलेट क्या है, प्रोटोजोन्स जीव है। इसे हमने इसकी बात की, जिस स्पीशीज की हम स्टडी करेंगे वो है जियार्डिया इंटेस्टिनाइलिस। जियार्डिया इंटेस्टिनाइलिस, ठीक है, हम इसकी इस स्पीशीज का अध्ययन करेंगे। चलो हम बात करते हैं इसके सबसे पहले जियार्डिया के नॉर्मल जो क्लासिफिकेशन है उससे, हम शुरुआत करते हैं जियार्डिया के क्लासिफिकेशन से। देखो क्लासिफिकेशन, तो देखो हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं कि जियार्डिया का क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो जियार्डिया का जो फाइलम है वह है प्रोटोजोआ। सब फाइलम जो है इसका वो है सार्टोमेस्टिकोफोरा,
सार्कोमेस्टिकोफोरा। क्लास है इसकी मेस्टिकोफोरा। सब क्लास जो है इसकी जूमेस्टिकोफोरा। जूमेस्टिकोफोरा ऑर्डर जो इसका आता है वो है काइनेटोप्लास्टिडा। हमने बात की फाइलम सब फाइलम क्लास सब क्लास ऑर्डर और इसके बाद हमने बात करते हैं हम जीनस की। जीनस हमें पता है क्या है, जियार्डिया। और जो स्पीसीज जिस जियार्डिया की जिस स्पीसीज का हम अध्ययन करेंगे वो है इन टेस्टी नाई इंटेस्टी नाई लेलिस। देखो जियार्डिया मैंने आपको भी बताया कि जियार्डिया जो है, जियार्डिया आपने देखा फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गया, एक कोशिकीय जीव। यदि इसकी हम बात करें तो जियार्डिया के कुछ अन्य नाम हैं जिसमें जियार्डिया लैबेलिया, जियार्डिया लैम्बेलिया लैम्बेलिया, और जो इसका दूसरा उपनाम है वो है लैम्बेलिया इंटेस्टिनाइलेलिस। तो देखो यहां पे हमने बात की कि जो जियार्डिया है उसके क्लासिफिकेशन की, फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, इसके यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, सार्कोमेस्टिकोफोरा इसका सब फाइलम है, क्लास है इसकी मेस्टिकोफोरा, सब क्लास है इसकी जूमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर इसका काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस जियार्डिया, और जिस स्पीशीज का हम अध्ययन कर रहे हैं वो है इंटेस्टिनलिस। सबसे पहले इसकी खोज किसने की, तो देखो डिस्कवर्ड बाय ल्यू वैन हॉक। ल्यू वैन हॉक जियार्डिया की जो खोज है वो सबसे पहले कौन किसने की, जियार्डिया की सबसे पहले खोज जो है ल्यू वैन हॉक ने अपनी ही विस्था के अंदर की। इसका जो संचरण है वो किसके माध्यम से होता है, इसका जो संचरण है वो वाटर और जो वेस्ट फूड होता है, वेस्ट फूड का मतलब यहां पे संदूषित भोजन, इनसे इसका क्या होता है ट्रांसमिशन होता है। वाटर वेस्ट फूड इससे इनका क्या होता है ट्रांसमिटेड होता है या ट्रांसमिशन होता है, इनका संचरण होता है। अब हम बात करते हैं देखो जियार्डिया की, तो जियार्डिया जो है कहां पाया जाता है, किस प्रकार का जीव है, तो देखो जियार्डिया जो है हैबिटेट हैबिटेट में हम सबसे पहले देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। स्वभाव और आवास की बात की जाए तो देखो जियार्डिया जो है वो एक रोगजनक है, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है पैथोजन है, जो कि कहां पाया जाता है, जो कि मनुष्य की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यह मनुष्य की इंटेस्टाइन में डियोडिनम ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं ग्रहिणी व जेजुनम के
ऊपरी भाग में पाया जाता है, ऊपरी भाग में पाया जाता है। और यदि बात की जाए तो जियार्डिया जो है मनुष्य की इंटेस्टाइन में, चिपका रहता है, एवं भोजन के डाइजेशन में, बाधा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न कर रहा है ये? बाधा उत्पन्न कर रहा है, बाधा उत्पन्न करता है। मतलब कि देखो, यदि हम बात करें कि जियार्डिया है क्या, तो जियार्डिया एक प्रकार का पैथोजन है, एक प्रकार का रोगजनक है, जिसकी स्पीसीज जो है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस जो है, इंटेस्टाइन रीजन से जुड़ी हुई है। ये मनुष्य के इंटेस्टाइन रीजन में पाया जाता है, और इंटेस्टाइन रीजन में क्या करता है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके जो हम उसमें क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, विशेष प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है। यानी भोजन के पाचन में, भी क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। यानी इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो क्या है, एकमात्र होस्ट जो होता है जियार्डिया का, प्राइमरी होस्ट कह दो या फिर एकमात्र जो होस्ट कह दो, वो क्या होता है, ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है। अर्थात यह अपना जीवन किसमें व्यतीत करता है, मनुष्य की इंटेस्टाइन रीजन में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, और रिप्रोडक्शन के द्वारा मल्टीपल कॉपीज बनाता है। तो हमने यहाँ पे बात की हैबिटेट हैबिटेट की, कि यह प्रकोषी के समानता डाइजेशन में या पाचन क्रिया में क्या उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। यदि हम बात करें तो यह जो जो जियार्डिया है, कभी कभी मनुष्य के लीवर व गॉल ब्लैडर, यानी कि जो मनुष्य का लीवर है या यकृत जो है, गॉल ब्लैडर को हम बोलते हैं पित्ताशय, को संक्रमित करने का काम भी करता है। तो देखो जियार्डिया जो है वो मनुष्य के लीवर और गॉल ब्लैडर को भी क्या करता है, संक्रमित करता है। अब हम बात करते हैं जियार्डिया की मोर्फोलॉजी की, मोर्फोलॉजी ऑफ जियार्डिया। देखो जियार्डिया की मॉर्फोलॉजी की यदि बात की जाए, तो जियार्डिया की मॉर्फोलॉजी के अंदर हम देखते हैं जो जियार्डिया है उसका शरीर कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें कौन कौन सी फेजेस पाई जाती हैं। तो देखो मॉर्फोलॉजी के अंदर यदि हम बात करें तो जियार्डिया जो है सामान्यतः दो अवस्थाओं में पाया जाता है। जियार्डिया सामान्य रूप से दो अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर एक अवस्था जो आती है वो है इसकी ट्रोफोजोइट अवस्था, और नंबर दो जो है वो इसकी है सिस्ट या पुट्टी अवस्था। ट्रोफोजोइट फेज सेकेंड जो आती है वो सिस्ट या पुट्टी फेज कहलाता है। तो देखो आपने देखा कि जियार्डिया जो है वो सामान्य रूप से कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, दो अवस्थाओं में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जियार्डिया की ट्रोफोजॉइट स्टेज की, ट्रोफोजॉइट फेज की, ट्रोफोजॉइट अवस्था की। देखो ट्रोफोजॉइट अवस्था क्या है, ट्रोफोजॉइट अवस्था के अंदर, तो देखो हम बात करते हैं ट्रोफोजॉइट स्टेज की।
क्रोफोड जॉइंट स्टेज जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये इसमें बना रहा हूं जो मैं, ये है न्यूक्लियस, देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो इलोंगेटेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है एक्सोस्टाइल, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है न्यूक्लियस, ये है इसका राइजोप्लास्ट, न्यूक्लियस, और यहां से कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर इसको बोलते हैं नीचे वाले जो फ्लैजेलम होते हैं वह वेंट्रल फ्लैजेलम, वेंट्रल फ्लैजेलम, ऊपर वाले जो है ये है एंटीरियर, ये है एंटीरियर फ्लैजेलम, एंटीरियर फ्लैजेलम। यहां पे ये वाला राइजोप्लास्ट वाला भाग हो गया और ये चपटी डिस्क के समान संरचना हो गई, ठीक है। इसके अंदर हमने बात की राइजोप्लास्ट की, बेसल ग्रेन्यूल्स यहां पे ये वाले जो आ गए, ये जो हो गई है बेसल ग्रेन्यूल्स, बेसल ग्रेन्यूल्स, राइजोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एक्सोस्टाइल, वेंट्रल फ्लैजेलम, एंटीरियर फ्लैजेलम, पोस्टीरियर फ्लैजेलम, ये वाले जो फ्लैजेलम आगे दो इनको हम कहेंगे पोस्टीरियर फ्लैजेलम। तो देखो ये है मॉर्फोलॉजी यानी ट्रोफोजॉइट फेज की। ट्रोफोजॉइट फेज क्या होती है, किस प्रकार की होती है? देखो ट्रोफोजॉइट फेज, ट्रोफोजॉइट फेज जो होती है इस अवस्था में शरीर जो होता है दीर्घवृत्ताकार होता है, इस अवस्था में जियार्डिया का शरीर दीर्घवृत्ताकार होता है, इस अवस्था में जियार्डिया का जो शरीर होता है दीर्घवृत्ताकार होता है एवं इसमें द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। यानी जो ट्रोफोजॉइट फेज है उसके अंदर क्या, कौन सी अवस्था पाई जाती है? ट्रोफोजॉइट फेज के अंदर जो है बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, जिसमें दोनों भाग जो है समान रूप से विभाजित होते हैं। यदि बात करें इसका जो एंटीरियर एंड होता है ट्रोफोजॉइट फेज का, एंटीरियर एंड आगे से गोल होता है, आगे से गोल व पोस्टीरियर एंड कुछ नुकीला होता है, पोस्टीरियर एंड कुछ नुकीला होता है। इनकी यदि
अदर सतह को देखें तो इनकी जो अदर सतह होती है और प्रस्थ सतह होती है, प्रस्थ सतह उत्तल परंतु अदर सतह कैसी होती है? अवतल। इनकी अदर सतह जो होती है अवतल प्रकार की होती है, अदर सतह जो है वो अवतल प्रकार की होती है, जबकि प्रस्थ सतह, जबकि प्रस्थ सतह उत्तल प्रकार की होती है। देखो ये इसके अंदर पाया जाने वाला एक्सोस्टाइल है, ये यहां से लेकर यहां तक जो है इनकी इस अवस्था में शरीर के अग्र भाग से पृष्ठ भाग तक, शरीर के अग्र भाग से पृष्ठ भाग तक एक्सोस्टाइल पाई जाती है, जो कि शरीर को बेस प्रदान करती है या आधार प्रदान करती है। इनमें टोटल फ्लैजेलम की संख्या, इनमें टोटल फ्लैजेलम की संख्या दो ये ऊपर, दो ये चार, दो नीचे छह, इनमें टोटल फ्लैजेलम की संख्या छह होती है तथा इनका आकार बैडमिंटन के समान, मिड पार्ट से आप देखोगे तो ये ऐसा लगता है रैकेट खेलने वाला, देखो ये जो इसका रैकेट का डंडा हो गया और ये जो उसमें मारने वाला भाग हो गया, इनका आकार बैडमिंटन के समान एवं कटी हुई नाशपति के समान दिखाई देता है, कटी हुई नाशपति के समान दिखाई देता है। नाशपति को जिस प्रकार अपने काटते हैं तो उसके अंदर बीज, साइडों में बीज होते हैं, तो ये जो है ये क्या है, कटी हुई नाशपति के समान। देखो इनका आकार बैडमिंटन के समान है, कटी हुई नाशपति के समान दिखाई देता है, जिसमें कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं एवं यह राइजोप्लास्ट की सहायता से, राइजोप्लास्ट की सहायता से जुड़े रहते हैं। किसकी सहायता से अटैच है ये? राइजोप्लास्ट की सहायता से अटैच रहते हैं। यदि हम बात करें तो इनके अंदर देखो इनके अंदर जो है सकर डिस्क फर्स्ट भाग में एक गहरी अभिरंजित पैराबोसल बॉडी होती है, इनके अंदर एक विशेष प्रकार की सकर डिस्क पाई जाती है, तब तक आप देखिए कि नॉर्मल सी बात है, ये स्ट्रक्चर है इसकी। जियार्डिया की ट्रोफोजोइट स्टेज, जियार्डिया की ट्रोफोजोइट स्टेज के अंदर हमने देखा कि जो ट्रोफोजोइट फेज होती है, ट्रोफोजोइट फेज जो होती है वो कुछ दीर्घवृत्ताकार होती है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, ट्रोफोजोइट स्टेज के अंदर हम देखते हैं कि ट्रोफोजोइट अवस्था के अंदर जो इनकी शेप है या तो बैडमिंटन के समान दिखाई देती है या कटी हुई नाशपति के समान दिखाई देती है। इनके अंदर कितने केंद्रक पाए जाते हैं? दो केंद्रक पाए जाते हैं, और इनके अंदर केंद्रकों के बीच में से एंटीरियर एंड से पॉजिटिव एंड पर क्या पाया जा रहा है, एक विशेष प्रकार का ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है एक्सोस्टाइल।
ये इसके शरीर को सहारा प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है। इनके अंदर टोटल फ्लैजेलम की संख्या कितनी है? टोटल फ्लैजेलम की संख्या है 6, 2 तो 4 और 2 6। ये फ्लैजेलम इसे क्या करते हैं? मूव करने में सहायता प्रदान करते हैं। यदि हम बात करें तो जो इनको हम इनकी पृष्ठ और अग्र सतह से देखें तो ये हमें उत्तल और अवतल कंडीशन में दिखाई देते हैं। यानी इस शेप के अंदर जिसके अंदर हम देखते हैं कि उत्तल सतह जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। ये उत्तल सतह है, जबकि हम देखते हैं कि ये जो है ये कौन सी सतह है? अवतल सतह। तो इसके अंदर दो प्रकार की सतह हमें दिखाई देती है। पृष्ठ और अग्र सतह से देखने पर यह हमें उत्तल और अवतल कंडीशन में दिखाई देता है। इनमें न्यूक्लियस जो है वो बेसल ग्रेन्यूल्स से निकलते हैं, यानी बेसल ग्रेन्यूल्स से क्या है? जुड़े हुए हैं। और बेसल ग्रेन्यूल्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या पाया जाता है? राइजोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये बात की हमने किसकी? जियार्डिया की, ट्रोफोजॉइट स्टेज की। अब देखो बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रोफोजॉइट स्टेज की, बात सिस्ट या पुट्टी अवस्था की। देखो इसके अंदर एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इनका जो लंबाई चौड़ाई होती है, ट्रोफोजॉइट की जो लंबाई होती है, ट्रोफोजॉइट फेस की लंबाई जो होती है वो 14 माइक्रोमीटर तथा चौड़ाई जो होती है इनकी वो लगभग कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर की। लगभग इनकी लंबाई जो होती है वो 14 माइक्रोमीटर और 7 माइक्रोमीटर की लगभग इनकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। अब बात करते हैं सिस्ट या पुट्टी अवस्था की। सिस्ट या पुट्टी अवस्था की, देखो सिस्ट या पुट्टी अवस्था किस प्रकार की होती है? सिस्ट या पुट्टी अवस्था के अंदर ये तो हमने इसको एक्सोस्टाइल है, ये है सिस्ट या पुट्टी अवस्था। होता क्या है? जब मनुष्य के इंटेस्टाइन में अम्लीय वातावरण बन जाता है, जब मनुष्य की इंटेस्टाइन में अम्लीय वातावरण बन जाता है, जब मनुष्य के इंटेस्टाइन में अम्लीय वातावरण बन जाता है तो यह ट्रोफोजॉइट अवस्था, तो यह ट्रोफोजॉइट फेज सिस्ट या पुट्टी फेज में बदल जाती है। मनुष्य के इंटेस्टाइन में कौन सा वातावरण बन जाए? अम्लीय वातावरण बन जाए, तो इनके अंदर क्या होता है? सिस्ट या पुट्टी फेज बनता है। इसके अर्थात इस प्रक्रिया को पुट्टी भवन की प्रक्रिया भी कहते हैं, एनसिस्टमेंट। इस प्रक्रिया को एनसिस्टमेंट या पुट्टी भवन की प्रक्रिया भी कहा जाता है। पुट्टी जो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर यह आकार में कैसी हो जाती है? यह अवस्था आकार में अंडाकार होती है, आकार में ओवम शेप्ड या अंडाकार होती है। ओवम शेप्ड या अंडाकार होती है। इनके अंदर इनका जो परिमाप होता है, इनका परिमाप सात में बारह के लगभग होता है, अर्थात 12 माइक्रोमीटर लंबे वह 7 माइक्रोन
जोड़े होते हैं, यानी कि जो अम्लीय वातावरण से बनने के लिए इनके चारों ओर एक विशेष प्रकार का कवच बन जाता है। इस अवस्था में इनके चारों ओर एक कवच बन जाता है जो इन्हें अम्लीय वातावरण से बचाता है, जो इन्हें अम्लीय वातावरण से बचाता है। इस प्रावस्था में केंद्रकों की संख्या दुगनी हो जाती है, केंद्रकों की संख्या दोगुनी हो जाती है, एवं एक्सोस्टाइल पूरे शरीर की लंबाई में फैला रहता है। पूरे शरीर की लंबाई में फैला रहता है। तो यहां पे हमने बात की एंसिस्टमेंट या पुट्टी प्रावस्था की। तो ये थी आज की अवस्थाएं जिनके अंदर हमने बात की कि जियार्डिया जो है वो किस प्रकार से है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं जो हमने बात की थी कि जो ये है इसकी ट्रोपोजोइट फेज, यानी कि जियार्डिया की मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो जियार्डिया सामान्य रूप से कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है, दो रूपों में। इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रोपोजोइट अवस्था क्या है और दूसरी है सिस्ट या पुट्टी प्रावस्था क्या है। एक प्रावस्था का वर्णन पूछा जाता है कि जियार्डिया जो है सामान्य रूप से कितने अवस्थाओं में पाया जा रहा है, दो रूपों में। इनमें से दो रूपों के अंदर हम बात करें तो पहली ट्रोपोजोइट और दूसरी सिस्ट या पुट्टी प्रावस्था। ट्रोपोजोइट जो प्रावस्था है वो किस प्रकार की है, ट्रोपोजोइट प्रावस्था जो है इसमें जियार्डिया का शरीर दीर्घवृत्ताकार होता है, बाइलेटरल सिमेट्री लिए होता है, एंटीरियर एंड से लेकर पोस्टीरियर एंड तक क्या पाया जाता है, एक्सोस्टाइल, केंद्रकों की संख्या डबल होती है और जो फ्लैजिलम है उनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 6 होती है। अधिक आधी कटी हुई नाशपति के समान उनकी संरचना दिखाई देती है या फिर बैडमिंटन के रैकेट के समान उनकी संरचना दिखाई देती है। फिर हमने बात की कौन सी सिस्ट या पुट्टी अवस्था की। सिस्ट या पुट्टी अवस्था एक नॉर्मल प्रावस्था है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जा रहे हैं, जिसके अंदर यहां पे हम बात करें तो ये सिर्फ क्या पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये क्या है, एक्सोस्टाइल वाला पार्ट। और एक्सोस्टाइल वाला पार्ट तो यहां पे हमने बात की दोनों प्रावस्थाओं की और दोनों प्रावस्थाओं के अंदर हमने बात की कि किस प्रकार से इनके अंदर जो अंतर पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यही पुट्टी जो होती है रिप्रोडक्शन करके, यानी ये जो अवस्था है सिस्टमेट या पुट्टी प्रावस्था, यही प्रावस्था आगे मल्टीप्लीकेशन करके क्या करती है, रिप्रोडक्शन करके मल्टीप्लीकेशन करती है और अपनी संख्या बढ़ाती है। तो आज के बारे में हमने बात की जियार्डिया की, जियार्डिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जियार्डिया का किस नाम से जाना जाता है, जियार्डिया को किस प्रकार का जीव है, कहाँ पाया जाता है, इसका होस्ट कौन होता है, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तब तक आप इसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हम आगे वाली वीडियो और ज्यादा बेटर बना सकें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।